सर हमने आर ले लिया है कि सेम? आर दिया हुआ है ना, रेडियस दिया हुआ है। सो दोबारा देख लो जो लोग लेट आए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट क्लास तक खत्म कर दिया था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे, ट्रिवियल से न्यूमेरिकल है। सर्कुलर ट्रैक पर बॉडी जा रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आती है। हर पार्ट में डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट भी। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, ये लिखा हुआ है, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, एंड आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। डिस्टेंस भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी। ए से बी जब ये जा रहा है, इसने जस्ट 1/4 सर्कल कवर किया है। 1/4 सर्कल कवर करने का क्या मतलब है? डिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, तो 2πr/4 हो गया, इट्स πr/2 हो गया, दैट्स डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो इट्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो इट्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर 2r स्क्वायर, इट्स r रूट। यहां तक क्लियर है सबका फर्स्ट पार्ट? यस सर। जब हम सेकंड पार्ट लेंगे, इट्स मूविंग फ्रॉम A टू C। A टू C में मुझे बताओ जरा डिस्टेंस कितना होगा? देखो ए से सी में क्या कर रहा है, हाफ सर्कल कवर कर रहा है। यस, इल्मा का सही है, अजलान का सही है, सैफ सही बता रहा है, हाफ सर्कल कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस आ गया पाई आर। ये डिस्टेंस है ए से लेकर जब ये सी तक गया। डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे यहां, हाँ जी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ ए से लेकर सी तक, शॉर्टेस्ट पाथ कितना? इट्स आर प्लस आर, व्हिच इज 2r। तो डिस्टेंस जो इसने कवर किया, दैट्स पाई आर। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, व्हिच इज 2r, ए से सी होगा। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते। डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल और फाइनल में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? आर, और ये भी आर, दोनों को ऐड कर दो 2r आ जाएगा। यहां तक डाउट्स बताइए मुझे, सेकंड पार्ट तक डाउट्स क्या है ये बताइए। कोई डाउट नहीं है? रब करूं उसको? नो सर। हिमांशु 1/4 सर्कल कवर कर रहा है ना, ए से बी तक, यहां से लेकर यहां तक क्वार्टर सर्कल कवर कर रहा है, तो टोटल सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो हाफ हो गया, 1/4 हो गया। जाबिर थर्ड पार्ट का आंसर बता रहे हो? गलत कर रहे हैं, चेक कीजिए क्या गड़बड़। थर्ड इल्मा आपका भी गलत आ रहा है, सामिया आपका भी गलत है, जाबिर का भी गलत था। नहीं रमशा गलत है, अजलान थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड ए से डी पूरा सर्कल कहां कंप्लीट हुआ है? गलत है तुम्हारा। इफ्फत, इफ्फत का सही है, अच्छा रमशा का सही था, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा वो पायर आपका डिनोमिनेटर में नहीं है, रमशा का ठीक था, इल्मा का भी ठीक था, इफ्फत का ठीक है, जाबिर का ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट सही है इफ्फत का, सैफ गड़बड़ है, डिस्प्लेसमेंट सही है। तो देखिए, नहीं ताबिश गड़बड़ आ रहा है, देखो जब वो ए से डी गया, हाँ रमशा सही है डिस्प्लेसमेंट, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब वो ए से घूमकर डी पर चला गया, तो उसने कितना कवर किया? 3/4 सर्कल कवर किया ना, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर,
तो जो डिस्टेंस होगा वो जो टोटल ये कवर करता है मल्टीप्लाई, टोटल अगर एक सर्कल होता तो 2πr होता, 3/4 कवर किया ना, तो 3/4 इंटू 2πr आ जाएगा, ये आया 3πr/2। भाई बताइए ये क्लियर है? यस सर। ताबेश? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा अब अगर इसी में मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल देखो और फाइनल देखो, यही तो है शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आप इनिशियल और फाइनल देख रहे हैं तो यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अभी कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में, सेम आ जाएगा r root 2 हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, अच्छा लास्ट वाली स्लाइड लिख लो पहले, फिर इस वाली स्लाइड पर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो ये AD है ना, AD के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इस AD स्क्वायर करिए। हाँ सैफ अभी करूंगा, ये भी माफ करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। तो देखिए ये था ना नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये ए था और ये डी था, ये था आपका शॉर्टेस्ट पाथ, ये आर और ये आर। तो थर्ड पार्ट में पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, AD इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो AD इज रूट ओवर 2r स्क्वायर, सो AD इज आर रूट। यहां तक बताइए मुझे, थर्ड पार्ट तक कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं है, चलो गुड। फोर्थ पार्ट में कह रहा है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, देखो फोर्थ पार्ट में कह रहा है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, लाइक ए से स्टार्ट किया और दोबारा से वहीं आ गया। गुड इल्मा, दोनों पार्ट सही। जब एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेगा, देखो रमशा का भी ठीक आ गया, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल जो पाथ कवर कर रहा है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो टोटल पाथ कवर किया दैट इज 2πr। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जहां से चला दोबारा वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस 2πr। फिफ्थ, ए से ई कह रहा है, ई मैंने ड्रॉ नहीं किया था। फोर्थ में डाउट बताओ मुझे, डाउट्स बताइए मुझे फोर्थ पार्ट में अगर कुछ है तो। कोई डाउट नहीं, देखिए ये ई पॉइंट है, ये जो एंगल है ये एंगल दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स π/3। भाई ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ए से ई तक कैलकुलेट करना है। करिए जरा कैलकुलेट और बताइए मुझे जो आंसर आ रहा है। फिफ्थ पार्ट के आंसर्स बताना शुरू कीजिए।
नहीं हो रहा, इफ्फत का आया, नहीं इफ्फत, नहीं नहीं नहीं, चलो जी नहीं हो रहा तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो ए से ई जब जाएगा तो पहले ये बताओ, नहीं नहीं सामिया, फोर पाई आर कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं ए से ई जब जा रहा है तो पहले ये बताओ डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ आर्क ए ई, ये स्टेटमेंट बताओ, ये समझ में आया? इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो तो मैं सिखाता हूं। ये वाली जो आर्क है, इस आर्क की यहां से यहां तक की लेंथ डिस्टेंस है, ये स्टेटमेंट बताइए, आया समझ में? चलिए ये आया आपके समझ में कि डिस्टेंस है लेंथ ऑफ आर्क ए ई इज बेसिकली योर डिस्टेंस। लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ आर्क, तो थीटा है पाई बाय थ्री, लेंथ ऑफ आर्क एल, रेडियस ऑफ आर्क आर। भाई ये डेफिनेशन है एंगल की, एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क, तो ये आ गया पाई आर बाय थ्री। किसी और बच्चे का भी आया था, ये किसका आया था? इफ्फत का आया था, इफ्फत का ठीक था, गुड। पाई आर बाय थ्री ये लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, ये तो डिस्टेंस आ गया, इसमें बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी को, इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को, इफ्फत का डिस्प्लेसमेंट भी सही आ रहा है। आयशा लेक्चर अपडेट हो जाएगा बच्चे रात तक ना, ये लेक्चर चैनल पर अपडेट हो जाएगा, यूट्यूब चैनल पर हमेशा एक 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। अच्छा डिस्टेंस के बाद आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ए और ई के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, ये आर्क है या कॉर्ड है? डिस्प्लेसमेंट है लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ के इक्वल होगा। अब देखो कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए मैं ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, एओई को मैं ट्रायंगल एओई अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, चलो भाई देखें क्लास टेंथ में आपने कितनी ज्योमेट्री पढ़ी थी। ये पाई बाय थ्री है, अगर किसी को पता ना हो पाई बाय थ्री 60 डिग्री, ये रेडियस और ये रेडियस, कुछ पढ़ा था आपने क्लास टेंथ में या नाइन्थ में या एट्थ में कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कुछ सुना हुआ ये, ऐसा कुछ होता है रिजल्ट? कुछ ऐसा रिजल्ट होता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, सुना सुना लग रहा है। चलो तो देखो आर और आर दोनों रेडियस है ना, तो ये भी थीटा, हाँ अजलान सही आ गया, ये भी थीटा, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो वहां से तुम थीटा निकाल सकते हो, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं थीटा प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री, 2 थीटा आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो 180 माइनस 60, 2 थीटा आ गया 120, थीटा आ गया 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री आ गया, दैट मींस तीनों एंगल 60 डिग्री के एंगल्स हैं, तो ये भी 60 ये भी 60, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीसरी साइड भी इक्वल होगी यार, तो ये ए और ये ई, तो आप लिख सकते हैं ए ई आर के इक्वल होगी। हाँ जी बताइए कोई परेशानी इसमें? जाबिर अब आया, सैफ
ना ना जाबे, डिस्प्लेसमेंट आर होगा ना ए से ई तक, ए तो है डिस्प्लेसमेंट, आर ही तो आ रहा है ए से ई का बीच का डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट आर हो जाएगा। हाँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, अगर ये रेडियस ये रेडियस तो ये भी रेडियस आर, ए से लेकर ये ओ है ना, तो ए से ओ भी रेडियस है, ओ ए से ई भी रेडियस है, दोनों आर, तो तीसरा भी रेडियस होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। डाउट्स बताना शुरू करो मुझे, सारे पार्ट्स में से किसी पार्ट में डाउट है। अरे जल्दी जल्दी बताओ डाउट्स अपने। सेफ इसलिए कि देखो ए ओ तो रेडियस है, ओ ई भी रेडियस है, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो अगर दो रेडियस है तो तीसरा भी रेडियस ही होगा। सेफ रब कर दूं इसको मैं, चलिए इसे रब कर दिया। एक और चीज सुनिएगा, मैंने बताया था डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जब आप डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो हमेशा साइन कन्वेंशन लोगे, ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन टू ऐड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हुए आप हमेशा साइन कन्वेंशन लेंगे। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन कहता है किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, उसके ऑपोजिट वाला नेगेटिव ले लो। ए से अगर आप बी जा रहे हैं तो ए से बी वाला अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो जब आप बी से ए जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। कोई एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे उसका ऑपोजिट आप नेगेटिव लेंगे, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला आपको नेगेटिव लेना होगा। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना होगा। इतना लिखिए, एक क्वेश्चन करते हैं वो क्लियर करेगा जरा। यस हिमांशु रब करूं इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए भैया, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपको ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखा देगा जी। शॉर्टेस्ट पाथ ए बी होगा सर, इस न्यूमेरिकल में वो और क्लियर हो जाएगा। अ बॉडी ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, एंड देन रिटर्न टू डी। कैलकुलेट डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट जर्नी। तो देखिए पहले ये ए से बी गया, फिर बी से सी गया और फिर सी से डी आया। आपको ये भी गिवन है कि कहां कितना कवर करता है। ए से बी इसने 5 मीटर कवर किया, बी से सी इसने 10 मीटर कवर किया और सी से डी इसने 3 मीटर कवर किया। वो कहता है डिस्टेंस भी निकालो डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। तो देखो जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ना तो कुछ नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो पॉजिटिव आएगा। तो डिस्टेंस तो सिंपली टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, देखिए ए बी प्लस बी डी नॉट बी डी बी सी प्लस सी डी। भाई वापस भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, टोटल पाथ लेंथ तो बढ़ेगा। ए बी 5, बी सी 10, सी डी 3, 18 मीटर। डाउट्स बताओ इसमें, डिस्टेंस में कोई इश्यू है किसी के साथ? चलो शफात गुड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ए बी तो पॉजिटिव होगा, बी सी भी पॉजिटिव होगा, सी डी बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ए बी पॉजिटिव है, बी सी पॉजिटिव है, सी डी बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखो ए बी राइट में पॉजिटिव, बी सी राइट में पॉजिटिव, सी डी लेफ्ट में, तो नेगेटिव लेना होगा, तो माइनस सी डी। ए बी था 5, ये था 10, ये आ गया -3, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 12 मीटर। डाउट्स बताइए मुझे इसमें, अगर कुछ डाउट्स है तो। अच्छा जाबिर आपका भी सही आ रहा था, मैंने देखा ही नहीं यार, रिस्पॉन्सेस देखे नहीं मैंने जरा। हाँ जी जाबिर बिल्कुल सही आ रहा था। सैफ डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। देखो जरा पलट के देखो, डिस्टेंस में लिखवाया था कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रब कर दूं इसे? यस सर, यस सर। कमर है क्या क्लास में? कमर आपको आवाज आ रही है? ओके okay. तो ये तो बेसिक सा था। अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना कुछ और क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वेक्टर एडिशन चाहिए होता है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेसिकली टू डायमेंशनल क्वेश्चंस, वहां वेक्टर्स चाहिए। तो जब हम वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे तब मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाऊंगा, अभी नहीं कर सकता। क्वेश्चंस बहुत हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन वो वेक्टर्स के बाद हो पाते। चलिए इसे फिर मैं रब कर रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? No, sir. Okay. So after distance and displacement, next your topic है, that is speed. So what is speed? Speed is the ratio of distance and time.
डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज नोन एज स्पीड. दैट्स इट. स्पीड इज अ स्केलर. डायरेक्शन नहीं होगा. SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. CGS इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. आपको अक्सर किलोमीटर पर आवर दे देता है. किलोमीटर पर आवर ना SI है ना CGS है. अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो उसे आपको SI में कन्वर्ट करना होगा. तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब. 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर. किलोमीटर को मीटर में कर दो, किलोमीटर इज 1000 मीटर. आर को सेकेंड्स में कर दो, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स. ये कैंसिल हुआ, इसे 2 से कैंसिल करो, ये 8 हो गया. नहीं सॉरी, टू से क्यों करूं, 4 से कर दूं. फाइव हो गया. सो 1 किलोमीटर पर आर हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड. हाँ जी बताओ, क्लियर है ये? ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए किलोमीटर पर आर में और मीटर पर सेकेंड में. 1 किलोमीटर पर आर 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा. तो जस्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यूज देख लीजिए इसका. मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ 36 किलोमीटर पर आर. आपको बताए कि SI यूनिट यूज करना है. सो इस 36 किलोमीटर पर आर को मल्टीप्लाई करिए 5/18 से. 18 36 को कैंसिल करिएगा, 2 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. चलो भाई यहां तक डाउट्स बताओ, फिर टाइप्स ऑफ स्पीड्स देखेंगे. इसमें कोई डाउट नहीं किसी का? रमशा, हिमांशु, वासिफ, मैंने जाबिर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से. लिखा था ना 1 किलोमीटर पर आर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकेंड में आ गया. चलो कोई किसी का डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. नेक्स्ट देखिए भाई, लिख लिया था आप सबने? यस सर. चलो इसे फिर रेस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. टाइप्स ऑफ स्पीड्स. देखिए एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. बहुत कॉमन चीज है, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो स्पीड या तो उसकी कांस्टेंट होगी. भाई कार में, बाइक्स में स्पीडोमीटर लगा होता है ना, तो स्पीड मेजर करता है. तो अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड या तो कॉन्स्टेंट होगी या फिर वेरिएबल स्पीड है. तो स्पीड को आप 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है. तो स्पीड को आप 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड चेंज नहीं कर रही. मान लो एक कार चल रही है, उसका जो स्पीडोमीटर उसमें हमेशा 60 लिखा हुआ आ रहा है, दैट मींस कार एक कांस्टेंट 60 की स्पीड से चल रही है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड चेंज करे, जो यूजुअली होता है.
रियल लाइफ में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, बॉडी मूव कर रही है, कहीं एक्सेलरेट करेगा, कहीं ब्रेक लगाएगा, कहीं रुकेगा, तो स्पीड वेरी करेगी। अगर स्पीड वेरी कर रही है तो इसे आप फर्दर दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। आप एवरेज स्पीड भी मेजर कर सकते हैं, और आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड्स को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है उसे आप फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हाँ जाबिर, यूनिफॉर्म में कॉन्स्टेंट रहेगा, इतना लिखिए, फिर एक एक स्पीड डिटेल में देखते हैं। इतना आप लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे। डन सर। अच्छा जी, अबे रमशा, इल्मा, हुआ इतना? हिमांशु, रब करूं इसे? हिमांशु हो गया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यूनिफॉर्म स्पीड, भाई यूनिफॉर्म नाम बता रहा है, कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड चेंज नहीं कर रही तो यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड चेंज नहीं कर रही तो उसे आप कहोगे दैट्स अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड को आप और थोड़ा सा टेक्निकली डिराइव डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड को आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then speed is uniform. So, देखो equal distance and equal time interval का क्या मतलब है? एक body है, A से चलती है, B तक जाती है, B से C जाती है। A पर time है t equal to 0, B तक पहुंचते पहुंचते हो गया 4 second, और C पर पहुंचते पहुंचते हो गया 8 seconds. तो ये seconds है। फोर सेकेंड और एट सेकेंड, तो जीरो से फोर सेकेंड और फिर फोर सेकेंड से लेकर एट सेकेंड तक। ए से बी डिस्टेंस है 4 meter, बी से सी भी डिस्टेंस है 4 meter। ए से बी तक, ये मुझे कौन बताएगा? हिमांशु मुझे बताओगे? डिस्टेंस तो मैंने बता दिया, 4 है स्पीड, होती है ना डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज 4। हिमांशु टाइम कितना लगा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक? हिमांशु टाइम 4 सेकेंड्स का टाइम लग गया भाई, 0 से 4 तो 4 सेकेंड्स है, इस 1 मीटर पर सेकेंड। बी सी वाले इंटरवल में आ जाओ, यू आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, व्हेन यू मूविंग फ्रॉम बी टू सी तो डिस्टेंस इज 4 मीटर। शफात, टाइम कितना लगा फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड्स, टाइम इंटरवल कितना? नहीं, देखो 4 सेकेंड्स टू 8 सेकेंड्स कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स ना टाइम, देखो 4 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक। अरे नहीं सामिया, देखो 4 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड्स तक टाइम, तो 4 सेकेंड लगा ना इंटरवल, ये कुछ ऐसा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बॉडी 4 PM से लेकर 8 PM तक ट्रैवल करती है, कितना टाइम लगा इसे, कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रही? 8 hours या 4 hours? मुझे आंसर देखिए चैट रूम में। 4 hours सर। 4 hours ना, 4 घंटे लगेंगे यार, 8 घंटे क्यों लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। तो 4 seconds to 8 seconds time कितना हुआ? 4 seconds। इंटरवल चाहिए ना तुम्हें 4 से 8 के बीच का। चलो भाई, इसमें डाउट्स बताओ मुझे,
देखो डाउट रह गया ना तो ये पूरे साल परेशान करेगा तुम्हें, ये सब चीजें खत्म नहीं होने वाली, पूरे साल आप यूज करेंगे ये वो डेफिनेशन से। डाउट्स, किसी का कोई डाउट नहीं है, सारे समझदार बैठे हैं, सबको आ गया। ओके चलो गुड। So that's the definition. If body covers equal distance and equal interval of time, 4 meter, next interval be 4 meter, 4 seconds, ये भी 4 seconds, that means speed constant. So ये definition the uniform speed. So uniform में जब कुछ change ही नहीं हो रहा तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो हम पढ़ पाए। Non uniform speed देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स अगर स्पीड चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूअसली तो उसे आप नॉन यूनिफॉर्म कहोगे। तो नॉन यूनिफॉर्म को आप लिख सकते हैं इट्स वेरिएबल स्पीड। अगर बॉडी एक वेरिएबल स्पीड से जा रही है तो आप कहोगे स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां था ना इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां होगा if body covers equal distance in unequal interval of time और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा हो रहा है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है बट टाइम अनइक्वल है, या डिस्टेंस अनइक्वल है तो टाइम इक्वल है, तो आप कहोगे स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। देखो रीजन, देखो बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, ए से बी भी 4 मीटर, बी से सी भी 4 मीटर, ये था टी इक्वल टू 0, ये है टी इक्वल टू 4 और ये है टी इक्वल टू 6। सो ए से लेकर बी तक अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूंगा, देखो ए से बी तक डिस्टेंस इज 4, टाइम भी 4 सेकेंड्स लगा तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। बट जब हम यहां करेंगे बी से सी तक 4 से 6 डिस्टेंस कितना है, बी से सी डिस्टेंस कितना है 4, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड्स तक टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स है, 2 सेकेंड्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ स्पीड यूनिफॉर्म आ रही है नॉन यूनिफॉर्म है। अरे भाई क्या लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है बट टाइम इक्वल नहीं है तो स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरह से अगर टाइम इक्वल हो जाए डिस्टेंस इक्वल ना हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म आया समझ में? जी सर। चलो जी डाउट्स बताना शुरू करो। देखिए अब यहां से चीजें धीरे धीरे टफ होनी शुरू हो जाएंगी, अभी तक तो सब डेफिनेशंस ही होती है। रब कर दूं इसे? यस सर। यस सर। अब अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, वेरी कर रही है, तो उसे मेजर करने के 2 तरीके हैं। आप एवरेज भी मेजर कर सकते हैं, आप इंस्टेंटेनियस भी मेजर कर सकते हैं। नहीं रमशा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चे,
स्पीड देखो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। डिक्रीज कर सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम जीरो होगी। नेक्स्ट देखो एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड क्या, अगर स्पीड वेरी कर रही है तो आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये एवरेज ऐसे नहीं आएगा, मैं तुमसे कह रहा हूं स्पीड 3 थी, स्पीड 2 थी, फिर स्पीड 4 हो गई, तुमने तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया। एवरेज स्पीड ऐसे नहीं आती, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कुछ और रिलेशन यूज करने होंगे, ऐसे एवरेज नहीं निकाल सकते कि ऐड करो और डिवाइड कर दिया। Average speed is ratio of total distance and total time. Total distance और total time का जो ratio होगा उस ratio को आप average speed कहेंगे। Average speed देखो speed और velocity दोनों को v से represent करते हैं, तो यहां जो एवरेज स्पीड है इसका रिलेशन आएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी कुछ न्यूमेरिकल सिर्फ इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, फिर कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी डिराइव करेंगे। जैसे अगर मैं जस्ट एक बहुत बेसिक सा आपको एग्जांपल दे दूं कि एक बॉडी है वो कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, फोर मीटर इन टू सेकेंड्स, देन थ्री मीटर इन नेक्स्ट वन सेकेंड, देन फाइव मीटर in next 3 seconds, calculate average speed। अगर ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं मैं, देखो इस क्वेश्चन से ना आपको समझ में आएगा कि ओके न्यूमेरिकल्स मॉडिफाई कैसे होते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको एवरेज स्पीड पर, उनका बेस यही है दैट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो भाई स्टूडेंट्स के आंसर्स भी आ गए, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकाल देते, बहुत बढ़िया, गुड, सबके आंसर्स ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर, 4 प्लस 3 प्लस 5, 7 प्लस 5, 12 मीटर। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स प्लस 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, वी एवरेज अ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 12 बाय 6, इट्स 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है, क्योंकि इसमें डाउट रह गया ना तो फिर आगे मेरे लिए समझाना ही पॉसिबल नहीं है, मैं इसी न्यूमेरिकल को मॉडिफाई करता चला जाऊंगा। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, शफात, कमर? नो सर। चलो वेरी गुड, देखो ये बहुत बेसिक्स है, इसमें तो आपको डिस्टेंस भी दे दिया टाइम भी दे दिया तो बचा ही नहीं कुछ। आगे क्या करेगा क्वेश्चंस में, आपको डिस्टेंस और टाइम की जगह कुछ एक स्पीड दे देगा। आप स्पीड यूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, स्पीड को यूज कर डिस्टेंस या टाइम कैलकुलेट करना होगा। देखो ये तो सब जानते हैं ना, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर मैं कहता हूं टाइम निकालो तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दोगे, अगर डिस्टेंस निकालो तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे। तो हो सकता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में ऐसे कॉन्सेप्ट आपको यूज करने पड़े। फिर कह रहा हूं दिमाग में बिठा लेना, अगर डिस्टेंस या टाइम में से कोई एक चीज मिस हो रही है
तो तुम्हें वो कैलकुलेट करना होगा. करोगे कैसे कैलकुलेट? डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर कर. कोई एक चीज नहीं दी है तो वेलोसिटी स्पीड यूज कर कर तुम कैलकुलेट कर सकते हो. इतना लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पर आए. यस सर. चलो नेक्स्ट. अब यहां से हम न्यूमेरिकल्स को मॉडिफाई करना शुरू करेंगे. So man runs for 5 seconds at a speed of 10 meter per second, then for 3 seconds at 5 meter per second. Calculate average speed for the complete journey. अच्छा, अब आप में से मुझे कोई इसको देखकर बताएगा कि इसमें क्या मिस हो रहा है, डिस्टेंस या टाइम? लिख दो जरा सा चैट रूम में, लिख दो. और देखो, अब यहां से मैं चीजों को मॉडिफाई करता चला जाऊंगा तो डिस्टेंस मिस हो रहा है. अब आप ये बेवकूफी मत कर देना कोई कि दो स्पीड दी है, 10 + 5/2 कर दिया, बेवकूफी हो जाएगी. ये मत कर देना. एवरेज स्पीड इंडिविजुअल स्पीड्स के इक्वल, एवरेज की इक्वल एवरेज निकालना आता है ना. अगर मैं तुमसे कहूं दो नंबर है 1 और 3, एवरेज निकालो तो 1 + 3/2 कर एवरेज आएगा. लेकिन एवरेज स्पीड ऐसे नहीं आती. तो एक आध बेवकूफ जरूर होगा जो ये सोच रहा हो कि एवरेज मैं ऐसे कैलकुलेट कर देता हूं 10 + 5/2. ये कभी कभी ट्रू होता है. ड्राइव करेंगे ये कब ट्रू होगा, हमेशा नहीं होता. तो इसे लिख कर काट देना पहले ताकि ये समझ में आ जाए कि ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा. हिमांशु गलत है. अब आपको क्या करना होगा, सुनो सुनो, तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds. मुझे चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds एट स्पीड ऑफ 10 m/s. 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा ना एट ए स्पीड ऑफ 10 m/s, वो डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस लिख सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. डिस्टेंस d1 लिख दो, स्पीड v1 लिख दो, टाइम t हो गया. स्पीड इज 10, टाइम इज 5, d1 आ गया 50 m. अभी मैं चेक करूंगा, मुझे तो यार आंसर भी याद नहीं है, तो मुझे एक बार तो कैलकुलेट करना ही होगा. तुम लोग आंसर भेजते जाओ. अब मुझे चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन 3 seconds. मैं अभी तो बहुत कहानी लिख रहा हूं, आगे मैं इतनी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा. 5 m/s. अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये आ जाएगा v2t. d2 आ गया, v2 इज 5, T is 3, 15 m. टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 50 + 15 = 65. टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो. टोटल टाइम कितना आ गया? पहला था 5 सेकेंड, दूसरा था 3 सेकेंड, दैट्स 8 सेकेंड. खत्म करो यार, एवरेज स्पीड निकाल दो. चलो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज 15, टोटल टाइम इज 8 m/s. चलो भाई आंसर चेक करें, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1.818 और कितना बचा, 70. 1.87 m/s. अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सर, टोटल डिस्टेंस 65 है. सॉरी सॉरी सॉरी
65 बाइट मीटर पर सेकंड. चेक करें जरा किस किस का सही आया. 8864 अजलान का ठीक आ रहा है, रमशा का ठीक है, इल्मा का ठीक है, इफ्फत का ठीक है, हिमांशु का गड़बड़. हाँ अब सही है जाबिर. चलो भाई इसमें डाउट्स बताओ. अगर इसमें डाउट नहीं है ना तुमसे अगला सॉल्व होना चाहिए. अगर अगला आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप इतने बड़े बेवकूफ हैं कि आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या नहीं आता. भाई बहुत सीधा सा खेल है, आता है तो अगला होगा, इसमें परेशानी है तो फिर अगला नहीं होगा. मुझे बताइए क्या परेशानी है इसमें. भाई एक तो ये कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है ना फिजिक्स लिया, आपने हिस्ट्री नहीं ली. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको 100, 200, 1000 न्यूमेरिकल्स रटवा के भेज दूं और आप वहीं लिख कर आ जाएं. दैट्स फिजिक्स. मतलब इस न्यूमेरिकल को वो 10 तरह से दे सकता है. आपको सिर्फ ये सीखना है कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं उन्हें अप्लाई कैसे करना है. दैट्स इट. तो हमेशा ना न्यूमेरिकल में पहले गिवन डेटा लिखो, फिर ये लिखो कि क्या चाहिए, फिर ये देखो क्या मिस हो रहा है. ठीक है दावेश, गुड. कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए. थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं. टाइम भी हटा देता हूं, डिस्टेंस तो नहीं था, टाइम भी हटा देता हूं इसमें. अरे भाई तुम बताओगे नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा. हो गया? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Next slide. देखो नेक्स्ट. अभी तो हमने क्या पिछले वाले में डिस्टेंस गायब किया था ना, टाइम था. अब मैं डिस्टेंस और टाइम दोनों गायब कर देता हूं. अब देखते हैं अगर पिछला समझ में आया था तो ये होना चाहिए. तो एक बॉडी है वो फर्स्ट हाफ कवर करती है v1 स्पीड से और सेकंड हाफ कवर करती है v2 स्पीड से. कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी. अब इसमें ना तुम्हें थोड़ी सी परेशानी आएगी कि ना डिस्टेंस. देखो v1 v2 की टर्म्स में आंसर आएगा, वेलोसिटी स्पीड्स गिवन है. तुम्हें ना डिस्टेंस दिया है ना टाइम दिया है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं. ऐसे ले लो ए से लेकर सी तक जा रहा है और ये मान लो कि टोटल डिस्टेंस 2x है, तो आधा डिस्टेंस मिल जाएगा. ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तो टोटल डिस्टेंस पता है अब 2x. फिकर मत करो, x कैंसिल हो जाएगा. टाइम कैलकुलेट कर लो, इसमें टाइम क्या होगा और इसमें टाइम क्या होगा क्योंकि स्पीड दी हुई है. रेशियो ले लो और मुझे बता दो एवरेज स्पीड कितनी आ रही है. अगर तुमने मेरी बात सुनी है तो तुमसे हो जाएगा ये. टाइम देखो सारा हिंट दे रहा हूं. टाइम कैलकुलेट करो, पहले ए से बी में टाइम कैलकुलेट करो. लिख के दिखाया था मैंने टाइम कैलकुलेट करते कैसे हैं. फिर बी से सी में टाइम कैलकुलेट करो. फिर टोटल डिस्टेंस तो 2x है, टोटल टाइम निकाल लो. यस इफ्फत का सही लग रहा है. गुड इफ्फत, एक 2 एक्स्ट्रा लिख दिया ना. इफ्फत चेक करना, एक एक्स्ट्रा लिख दिया शायद आपने. एक 2 एक्स्ट्रा है. अजलान मैंने मना किया था ना, एवरेज ऐसे नहीं आएगा. अच्छा 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 ठीक है फट, ठीक है ठीक आ रहा है.
अजलान मैंने मना किया था, वी वन प्लस वी टू बाई टू एवरेज नहीं होगा सर, इसी फॉर्मूले से करा है। अरे नहीं यार, इस फॉर्मूले से आएगा नहीं यार। यहाँ देखो स्पीड वी वन, और हिंट ले लो स्पीड वी टू। सैफ देखो टाइम कैलकुलेट करना कितना आसान, डिस्टेंस एक्स स्पीड वी वन इज एक्स बाय वी वन, डिस्टेंस एक्स स्पीड वी टू इज एक्स बाय वी टू। करी गलत एलमा, T1 T2 आ गया। देखो T1 T2 तो मैंने बता दिया, अब तो कर लो, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूं बताओ। 60% तो न्यूमेरिकल मैंने कर दिया। हिमांशु सॉल्व करो आंसर। ना हिमांशु गलत आ रहा है यार, ऐसे तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्विंग सिखाते सिखाते महीनों गुजर जाएंगे। देखो डिस्टेंस है टोटल 2x, सुनो अब ढंग से सुनो ताकि अगला न्यूमेरिकल हो, वरना अगला भी नहीं होगा तुमसे। टोटल टाइम है T1 प्लस T2 एक्स बाय वी वन एक्स बाय वी टू। अब देखो एलसीएम आता है वी वन वी टू एक्स वी टू प्लस एक्स वी वन। हाँ जी सैफ अब सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है सैफ। एक्स वी टू प्लस वी वन बाय वी वन वी टू। अब एवरेज स्पीड ले लो, वो चेंज थोड़ी ना किया यार, फॉर्मूला तो वही रख रहा हूं मैं। देखो काइनेमेटिक्स स्लो रहेगा, लेकिन तुम काइनेमेटिक्स में सीख गए न्यूमेरिकल सॉल्विंग, तो आगे ज्यादा परेशानी नहीं आती, वरना परेशान रहोगे। तो ऊपर ले जाओ इसे। अब सही है अजलान, अब बताओ इसमें कहां परेशानी है। अगर नहीं है परेशानी तो अगला सॉल्व होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने ना होने का मतलब यही था कि पिछला वाला न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया था, याद कर लिया था। मुझे इसमें बताइए कहां परेशानी है आपको। वेरिएबल में अब तो नहीं है जाबिर। देखो एक वेरिएबल है ना जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा हो, तो कैलकुलेशन शुरू कर दिया करो, यकीन रखकर चला करो कि ये आखिर में कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों जगह दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्वांटिटीज में कोई वेरिएबल है, तो यकीन रखकर कैलकुलेट किया करो कि आखिर में तो ये कैंसिल हो जाएगा। अरे वानी आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, आप देखा ही मैंने, अब नजर पड़ी मेरी। अच्छा आपके स्कूल से, मैं जब तक मैं वाणी से बात कर रहा हूँ रब कर दूँ, ये लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। अच्छा वाणी ये दिल्ली में ही है? लिखो लिखो लिखो। जी सर। अच्छा बच्चे आपका ना इस बैच में चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 मिस हुआ है, चैप्टर नंबर 3 मैंने जस्ट स्टार्ट किया है फॉर द लास्ट क्लास, तो समझ में आ रहा है आपके, फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा आपका जो मिस हुआ है उसमें बैकअप हम डिस्कस करेंगे, जरा आप एक दो क्लासेस कर लीजिए मंडे तक ना, आप देख लो कि मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग से आपको समझ में आता है ठीक है या किसी और फैकल्टी के साथ आपको ऐड करना।
फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बैकअप कैसे दिया जा सकता है। ये सर लिख लिया, लिख दिया मैंने इसको, रब कर दिया सर। नेक्स्ट देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और तुमसे अगर अब भी नहीं हुआ तो तुम एक काम करना, स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज मिल रही हो तो ले लेना फौरन, पहली फुर्सत में। या तो ह्यूमैनिटीज ले लेना, है जितना टाइम तुम अपनी सेल्फ स्टडी को दे रहे हो उसे डबल कर देना। अगर जीरो है तो दो घंटे कर देना, जीरो का तो डबल जीरो रहेगा। ओके सो चलो तुम्हें हिंट दे दूं मैं ना, तुम बिना हिंट के तो करोगे पिछले वाले की तरह है, बस डिस्टेंस की जगह मैंने टाइम दे दिया। मान लो टोटल टाइम है 2t, यहां लगा t और यहां भी लगा t, ये रहा v1 ये रहा v2। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में टाइम कैलकुलेट करना था, अब तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना। करो जरा, एवरेज स्पीड चाहिए मुझे, करो करो। और अब भी ना हो, या तो अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा देना, एटलीस्ट दो घंटे कर देना एक सब्जेक्ट का, या तुम ह्यूमैनिटीज ले लेना, खुश रहो। चल इज़लान, गुड, सही आ रहा है। इफ्फत का भी सही आ रहा है, गुड। रमशा का भी ठीक आ रहा है, वानी का भी ठीक आ रहा है, वेरी गुड। और आंसर्स, बाकी सबकी स्ट्रीम चेंज होनी है ना, सबकी स्ट्रीम चेंज होनी है। जाबिर गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा हाँ, इल्मा का सही आ रहा है, सैफ का भी सही है, चलो गुड। तो स्ट्रीम सादा लोगों की चेंज नहीं होनी। सो योर डिस्प्लेसमेंट s1 विल बी स्पीड इनटू टाइम, राइट? सो दैट्स v1 इनटू t, योर s2 इज, नहीं सामिया गड़बड़ है, v2 इनटू t। टोटल डिस्टेंस इज v1t प्लस v2t। यस हिमांशु, ठीक आ रहा है। सो यू कैन टेक दिस टी एज कॉमन, दिस इज v1 प्लस v2। टोटल टाइम तो आप जानते ही हैं, दैट्स 2t। एवरेज स्पीड आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सो इट्स v1 प्लस वी टू इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। सो दिस टी विल कैंसिल दिस टी एंड दिस इज द एवरेज स्पीड विच इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये वाला न्यूमेरिकल और लास्ट वाला न्यूमेरिकल आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा है।
जिसको अगर आप याद रखें तो आपके कुछ टफ न्यूमेरिकल्स आसान हो गए. द रिजल्ट्स आर, अगर बॉडी जर्नी कवर कर रही है दो पार्ट्स में और डिस्टेंस इक्वल है, लाइक फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, अगर डिस्टेंस इक्वल है, लाइक दिस इज एस वन, दिस इज एस टू, यहां स्पीड वी वन, यहां स्पीड वी टू, इफ एस वन इज इक्वल टू एस टू, डिस्टेंस इन टू पार्ट्स आर इक्वल. अच्छा, इसको ना मैं अलग से लिखता हूँ, इतना लिख लीजिए आप और मुझे बताइए जब आप लिख चुके हैं. मुझे नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, स्लाइड पे तो नहीं लिख सकता मैं. ये दो न्यूमेरिकल, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएंगे आपको, जिसको हम आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज किया करेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली. हो गया सर. गुड. तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि इफ बॉडी कवर जर्नी इन टू पार्ट्स, बॉडी दो पार्ट्स में जर्नी कवर कर रही है एंड डिस्टेंसेस आर इक्वल, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, एस वन और एस टू इक्वल है, देन योर एवरेज स्पीड वुड बी इट्स टू वी वन वी टू बाय वी वन प्लस ई टू. दैट्स द आंसर ऑफ द लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट टू लास्ट न्यूमेरिकल, अगर डिस्टेंस इक्वल. और इसी तरह से अगर टाइम इक्वल है, इफ बॉडी कवर्स जर्नी इन टू पार्ट्स एंड टाइम इंटरवल आर इक्वल, टाइम इंटरवल आर इक्वल. तो देखो, तुमने रिजल्ट मुझे डिराइव कर कर बिल्कुल ठीक बताया था, इट्स वी वन प्लस वी टू ओवर टू, दैट्स वी एवरेज. सो ऐसा होगा, मतलब ये दो रिजल्ट्स मैं आगे के न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज कर लूंगा. इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दो, वैसे तो मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम्हें डाउट था या नहीं था, अगला न्यूमेरिकल सॉल्व होगा या नहीं होगा. इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दोनों रिजल्ट्स में एक साथ यूज करूंगा. कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है तो मैं स्लाइड चेंज कर दूं. चलो, सब लिख चुके हैं. चलो देखो, अगर तुम्हें डाउट था कि नहीं था, अब बॉडी ट्रैवलिंग, भाई फिजिक्स ऐसी होती है, आप एक चीज सीखते हैं उसको आगे अप्लाई करते हैं. आप सीख गए थे तो ठीक से ही अप्लाई करोगे, नहीं सीखे तो गलतियां करोगे. ऐसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सीख जाते हैं आप तो स्कूल एग्जाम्स और एंट्रेंसेस दोनों क्रैक कर लेते हैं. नहीं सीखते तो आप फिर दोबारा टाइम वेस्ट करते हैं अपना. नहीं करना आपको है, मैं तो सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके बदले का काम नहीं कर सकता.
मीन स्पीड मीन्स एवरेज स्पीड। मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, वैसे तो आप क्वेश्चन पढ़कर इसी हिंट को समझ जाएंगे, इतना तो सीख गए होंगे अब तक, बट मैं फिर भी कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको कि दैट अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू डी, इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू डी, लेट्स से द टोटल डिस्टेंस इज 2x, दैट्स द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ बी, this is x and this is x, the first half it cover with a speed v naught, second half ko do time mein divide karta hai, wo kehta hai b se d tak time lag raha hai 2t, beech mein c hai, c mein bhi time laga, yahan bhi time laga, yahan speed hai v1, yahan speed hai v2, total journey ki speed nikal do, is rough sketch ke alawa jo hint hai wo ye last jo do note likhe, wo dono note aap use kar lenge to ye mushkil se 2 minute ka numerical, अगर आपने सीखा था, वो नहीं सीखा था तो फिर तो कभी नहीं होगा। और इस हिंट के बाद भी कोई हिंट चाहिए हो तो मुझे बताते रहो चैट रूम में, या माइक ऑन करो बताओ मुझे, इस हिंट के बाद भी और हिंट चाहिए अगर आपको। एक का भी आंसर नहीं आ रहा, कोई हिंट चाहिए, कुछ डिस्कस करना हो, कहीं अटक गए हैं तो बताइए मुझे, मैं हेल्प करता हूं आपकी। हिमांशु अगर ए बी का टाइम निकालना चाहते हो तो x by v naught कर दो, डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, लेकिन हिमांशु इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम लास्ट के दो जो नोट लिखवाए थे मैंने वो नोट पढ़ लो तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, वो डायरेक्ट रिलेशंस यूज कर लो, v1 plus v2 by 2 और 2v1 v2 by v1 plus v2, बस ये डिसाइड करना है कहां कौन सा यूज करना है, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर, इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि तुम डिस्टेंस अज्यूम करो टाइम अज्यूम करो, जरूरत ही नहीं है, वो जो दो लास्ट नोट लिखवाए उनको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ना एक्स यूज होगा ना टी यूज होगा। इफ्फत का आया, इफ़त V2 V3 है, मैंने सिर्फ 2 तक दिया था, V1 V2 है ना आपका, इस वक्त पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मुझे कैलकुलेट तो मैं करूंगा कि ये कहीं 2 मिस है, कहीं एक 2 कम लग रहा है मुझे, देखना कहीं मिस तो नहीं कर दिया कहीं 2, अप्रोच आपकी ठीक लग रही है, आप अप्रोच तो ठीक है, बस कहीं कोई 2 तो मिस नहीं किया आपने, देख लीजिए एक बार। और बाकी कोई नहीं कर रहा कुछ भी, अच्छा चलो और हिंट लो, पहले बी डे डी बी से डी सॉल्व कर दो। इफ़त अब भी ना मुझे एक 2 मिस लग रहा है कहीं, एक 2 मिस है कहीं आपकी कैलकुलेशन में, इफ़त वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बच्चे डिनोमिनेटर में भी एक 2 होगा, v1 plus v2 by 2, वो गलत कर रहा है। चलो कोई कुछ नहीं कर रहा, इफ्फत का बस थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी इसने सही करा है, बाकी मैं सॉल्व कर दूंगा, गलत बात है यार, तुम बिल्कुल नहीं सीखते हो। रमशा आप भी शायद कहीं 2 मिस कर रही हैं, रुकिए 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 रमशा, आपने चलिए ठीक कुछ तो ठीक करा है,
सुनो भाई, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, टाइम टी, टाइम टी, स्पीड वी वन, स्पीड वी टू, पहले हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे डी डी की। बी से डी तक जब तुम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे ना, वी वन, वी टू, इफ़त अब भी थोड़ी सी कमी है, प्लस टू, ये सिखाया था अभी कि अगर टाइम सेम है तो ऐसे आ जाएगा। अब बी और डी की जो स्पीड है ना, वो ये मान लो v1 plus v2 by 2, so आप इसको वैसे सॉल्व कीजिए, आप अब ऐसे चलिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, यहां स्पीड है v0 और यहां स्पीड है vbd और दोनों में डिस्टेंस इक्वल है। तो आपको सिखाया था मैंने कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो आप ऐसे लिखते हैं 2v0 vbd by v0 plus vb। तो ये vbd की वैल्यू रख दीजिए भाई, vbd है क्या, v1 plus v2 divided by 2 by v naught plus v1 plus v2 by 2, ये गया, it's v naught v1 plus v2, 2 is LCM, 2 v naught plus v1 plus v2, 2 को ऊपर ले जाओ, 2v0 v1 plus v2 divided by 2v0 plus v1 plus v2। So, समझ में आया फत, कहां क्या मिस हो रहा था? इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है, ऐसा क्या था जो आप नहीं सोच पा रहे थे? सर मैंने आपकी स्टार्टिंग की जिस तरह आपने किया ये नहीं किया, बाकी के एंड में सर दोनों फॉर्मूला तो मैंने पुट कर दिए थे। अच्छा, लेकिन निकल ही नहीं रहा था। मैं भी ग्रुप पर ना एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं, एवरेज स्पीड से जितने क्वेश्चंस रिलेटेड है उन्हें सॉल्व करिएगा। ओके सर, स्टार्टिंग से बताऊं। देखो सामिया, पहले मैं बी से डी सॉल्व कर रहा हूं। देखो बी से डी में, बी से सी और सी से डी में टाइम सेम है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम टाइम में जा रहा है। तो जब टाइम सेम होता है तो बताया था मैंने कि एवरेज ऐसे निकालते हैं वी वन प्लस वी टू बाई टू। सामिया बताती जाओ मुझे स्टेप, इस स्टेप तक आया? यस सर। अब जब वो ए से डी जा रहा है तो ए से बी और बी से डी में डिस्टेंस सेम है, ए से बी में स्पीड क्या है, वी नॉट। B से D में जो एवरेज स्पीड आई है वो मैंने एवरेज स्पीड ले ली, तो आप V एवरेज निकाल सकते हैं 2V0 VBD by V0 plus VBD, 2V1 V2 by V1 plus V2। VBD को आप क्या लिख सकते हैं, V1 plus V2 by 2, VBD को V1 plus V2 by 2। देखो 2 से 2 गया और ये इधर LCM आ जाएगा 2 का। बताओ सामिया अब भी कहाँ नहीं आया? सर आ गया। सो अगर यहां तक आ गया, लेट्स स्टॉप हियर।